नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों मार्केट में आज आपने एक अच्छा मूव आते हुए देखा है, निफ्टी अराउंड 100 पॉइंट्स की तेजी के साथ क्लोजिंग देते हुए देखा। मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छा एक्शन था, बैंक निफ्टी तो काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा रही थी आपको। ऐसे में ये जो तेजी है कितनी टिकाऊ है, और इस बीच में काफी सारे जो रिटेल कैटेगरी से इन्वेस्टर जो बिगिनर्स हैं वो काफी ज्यादा अब ये सोच रहे हैं कि बस अब तो मार्केट दोबारा रॉकेट है, तो ऐसे में क्या लिटरली आपको फ्रेश बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और क्या है पूरी मार्केट की अपडेट वो आप सभी के साथ शेयर करता हूं। तो ये जो तेजी बनी है वो बनी है अमेरिका के डाउ फ्यूचर्स को देखते हुए। पहले तो कल के लिए बता दूं मैं आपको, कल डाउ जोन्स अराउंड 400 पॉइंट्स ऊपर क्लोजिंग देते हुए देखे, उसके बाद अभी भी डाउ फ्यूचर्स अराउंड आपके लिए 200 पॉइंट्स की तेजी दिखा रहे हैं, और इसी के चलते आपने भारतीय बाजार में भी एक बढ़िया मूव देखा है, और डाउ फ्यूचर्स समय डेज हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स का इंपैक्ट आपको पूरे यूरोपियन मार्केट्स पे देखने को मिल रहा है, और यूरोप के बाजार के बारे में बात करें तो तूफानी तेजी चल रही है। यूरोप में अगर फिटसी की बात करें तो 1.25% की तेजी है, यानी कि हमारे भारतीय बाजार में तो कुछ भी तेजी नहीं बनी है अगर आप देखें तो। और ग्लोबल मार्केट्स में काफी अच्छा मूव है, जिसमें प्रॉब्लम भी ग्लोबली है और उसके बावजूद हम लोग नहीं बढ़ रहे हैं, तो ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। फिटसी 1.25% ऊपर है, डेक्स 1.5% ऊपर दिख रहा है, कैक तो एग्जैक्टली 1.5% ऊपर है, तो काफी शानदार मूव है। एशिया पैसिफिक बात करें तो लगभग निकाई में गिरावट है, शंघाई बात करें या फिर हैंगसेंग, तो यहां आपको तेजी ही देखने को मिल रही है। वहीं हम इंडियन इक्विटी मार्केट की बात करें तो निफ्टी अराउंड 17,107 के लेवल्स पे क्लोजिंग देते हुए देखा आपने, 0.7% की तेजी थी। हालांकि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्मेंस दिखाते हुए आपको 1.5% के समथिंग ऊपर देखने को मिला है, तो बैंक निफ्टी में तो अच्छे लेवल्स आए बट निफ्टी में उतना कुछ खास मूव नहीं बना है। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो यहां भी आज काफी अच्छा मोमेंटम में था बाजार, 1214 शेयर्स पॉजिटिव थे जिसके सामने 800 शेयर्स नेगेटिव थे। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है, मार्केट जो आपको हरे निशान में दिख रहा है, वहां निफ्टी के स्टॉक्स देखें तो वो नेगेटिव ज्यादा थे, सॉरी पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सिमिलर है, 26 शेयर्स पॉजिटिव है जिसके सामने 24 शेयर्स नेगेटिव है, तो कुछ ज्यादा चेंज नहीं था। बस फर्क इतना है 2 शेयर निफ्टी से ज्यादा बढ़िया तेजी में थे, और एक तो दिग्गज रिलायंस ही अच्छी खासा मूव देते हुए दिखा, 3% से ज्यादा की तेजी। वहीं सेकंड HDFC लाइफ में भी 4% ऑलमोस्ट 4.25% की तेजी थी। वहीं गिरने वाले शेयर्स की बात करें तो कोई बड़ा मूव नहीं था गिरने वालों में, सबसे ज्यादा गिरावट भी जो आपने देखी वो ऑलमोस्ट पावर ग्रिड जैसे स्टॉक में जिनका वेटेज उतना कोई खास है नहीं। तो ये आज के मार्केट के स्टॉक्स थे जो की एक्शन में आते हुए दिखे। अब बात करते हैं कि आपको कैसे पोजीशन मेंटेन करनी है। देखिए वैसे तो मार्केट बंद हो गई है, अब कल के लिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले तो आपके पास डाउ जोन्स का आज जो भी इंडिकेट होगा वो एक ट्रिगर होगा कल। एंड सेकंड थिंग, मैंने आपसे आज वीडियो के दौरान भी यही कहा था कि जो भी ट्रेड है आपका BTST हो या फिर वो इंट्राडे हो, उसको ज्यादा से ज्यादा कल तक ही कैरी करना, उससे ज्यादा कैरी मत करना, क्योंकि कल है बड़ा इवेंट जिसके चक्कर में पूरी वॉलिटिलिटी देखी आपने, बैंकिंग क्राइसिस, और वही उसी के रिलेटेड कल एक बड़ा फैसला आएगा, FOMC की मीटिंग जो कि आज से शुरू हो जाएगी बट 2 दिन की होती है, कल आपके लिए रिजल्ट आएगा। तो भारतीय बाजार पे तो परसों इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन कल अमेरिका के बाजार काफी वॉलेटाइल हो सकते हैं। 2 तरीके से आप सोच सकते हैं, एज अ नॉर्मल कि भाई मार्केट में तेजी बन रही है, मे बी कल कुछ पॉजिटिव आ जाए, कुछ पॉजिटिव डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है बाजार और रॉकेट हो जाए। वहीं दूसरी तरफ ये भी सोच सकते हैं कि ये ट्रैप हो सकता है, मार्केट कल जो बड़ा इवेंट है वहां झटका देगी, उससे पहले थोड़ा सा रिटेल कैटेगरी को फंसाया जा रहा है, तो दोनों तरफ के व्यू बन रहे हैं इस समय, और मैंने दोनों तरफ की बातें आपके साथ शेयर कर दी है। पर्सनली मैं मानूंगा कि भाई मेरे को कुछ नहीं करना है, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ चेंज तो दिख नहीं रहा। FIIs कल भी बड़ी बिकवाली करके गए हैं, ठीक है। आप ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो बैंकिंग में ना जाने कितने दिन बाद ऐसा हुआ है कि भाई कल से कोई अभी तक कोई बड़ा मतलब चेंज नहीं हुआ, कोई बड़ा ट्रिगर नहीं आया कि कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आई है, तो अभी वेट करना एक ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा। मार्केट की बात करें तो एनालिस्ट ऐसा मान रहे हैं कि रेट हाइक तो होगा कल भी, लेकिन होगा 25 बेसिस पॉइंट्स का, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी जेरोम पॉवेल साहब की कमेंट्री। अब कमेंट्री में वो क्या बोलेंगे ये ना मुझे पता है ना आपको पता है, देखिए फैक्ट पे बातें करते हैं, ऐसे बिना बात की झूठ बात करके कोई फायदा नहीं है, तो जो वो बोलेंगे वो केवल उन्हीं को पता है। तो जो भी कमेंट्री होगी वो कल जब आएगी तभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, रात में आएगी ऑब्वियसली, 11:30-12:30 करीब आपके लिए जो भी अपडेट होगी मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा। कभी कभार 1:30 भी आती है वो अपडेट, तो 1:30 आएगी तो मैं अपडेट नहीं शेयर कर पाऊंगा लेट नाइट, बट हाँ मॉर्निंग में जरूर शेयर करेंगे, बट देखते हैं कितने बजे। तो यहां मैं आपसे क्लियरली बता दूं, मैंने टाइम चेक करा नहीं, हो सकता है आपको पता हो आपने चेक कर लिया, तो कमेंट जरूर कर देना ताकि मुझे थोड़ी जानकारी मिल सके।
अब यहां पूरा मार्केट कल जो सबसे बड़ा इवेंट है उस पर डिपेंडेंट हो गया है। अब आपको देखना क्या है वो मैं आपके साथ जरूर शेयर कर सकता हूं। पहला 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक आता है तो कोई इशू नहीं है, रेट हाइक होता ही नहीं है तो वो पॉजिटिव है, ठीक है। यानी कि जेरोम पॉवेल साहब कह रहे हैं कि इस बार हम कोई इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं करेंगे, कोई बदलाव नहीं है, ब्याज दरें बिना बदलाव के सेम टू सेम रहेंगी, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। वहीं 25 बेसिस पॉइंट का बढ़ाया तो कोई इशू नहीं है, इतनी मार्केट की एक्सपेक्टेशंस थी। 25 से ज्यादा बढ़ाया तो वो नेगेटिव हो जाएगा, जिसकी उम्मीद 0% है तो उसके बारे में ज्यादा बात करूंगा ही नहीं। अब 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाया और कमेंट्री कर दी नेगेटिव तो फिर प्रॉब्लम है और ज्यादा तेजी से गिरेंगे बाजार। देखिए कल रेट हाइक के डिसीजन के बाद रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा मार्केट में, डिसीजन आने के बाद होगी स्टार्ट कमेंट्री, और कमेंट्री के 10 मिनट में आपको जो तेजी या मंदी देखने को मिलेगी वो होगा इंपॉर्टेंट। यानी कि कमेंट्री मस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं कि इन्फ्लेशन काबू में आ रहा है, ये कहते हैं कि आगे चल के ब्याज दरें अब हम नहीं बढ़ाएंगे, ये हमारा फाइनल था, या फिर ये कहते हैं कि बैंकों में प्रॉब्लम है तो इस बार हम रोक रहे हैं या कम कर रहे हैं, लेकिन आगे से हम इसे जल्दी जल्दी शॉर्ट करके आगे अभी रेट हाइक और हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें देखने वाली बात है कि क्या कहते हैं, तो कमेंट्री होगी सबसे इंपॉर्टेंट जो किसी को नहीं पता है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अपनी पोजिशन कल जितनी ज्यादा हो सके हल्की कर लेना, कम कर लेना, और जो भी करो हेज तो जरूर कर लेना परसों के लिए, क्योंकि परसों में भी बड़ा एक्शन होते हुए दिख सकता है आपको। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक नॉर्मल सी डिटेल्ड वीडियो, जो कि आपको मेरे हिसाब से सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।